अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो गाइस कैसे हो? मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, नया गेम प्ले यानी कि, और अभी वॉइस ओवर में थोड़ा थोड़ा अटकता हूँ। चलो खैर है, वॉइस ओवर भी ठीक हो जाएगी। ये हमारा लिविक का गेम प्ले है, इसके अंदर हम प्लानर्स को जो लैंड होते हैं वो मिट से ना, मैं रैंडम स्क्वाड के साथ घेरा होता हूँ। ये मेरे टीममेट नहीं होते हैं जो उतरते साथ ही, ये इसके P92 या P92 अच्छे करना, ये आप तैयारी तो कभी भी याद नहीं मुझे मिलती है। मुझे वहाँ पे दूर एक पैराशूट नजर आता है, तो मैं जा रहा होता तो ऊपर से एक और पैराशूट आता है। मैंने कहा ऐसे कैसे आए? तो यार एक बेचारे के पास गन नहीं होती है, मैं उसको फिनिश नहीं करता। मैं उसको ऑल पे ना कह रहा होता हूँ, या उसकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही होती है क्योंकि मेरा पीछे से वॉल्यूम कम होता है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। सोचता हूँ चलो अगर इसका कोई टीममेट हुआ तो वो इसको आके रिवाइव दे देगा। मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये मोट चमोट करता हूँ कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे लूट छूट करता हूँ, लेकिन ये बेचारा बार बार मेरे पीछे आता है और मुझे किल कर देता। बाकी यार बात कर लेते हैं वो अल्टीमेट सूट जो कि पबजी ने इस बार इवेंट में दिया है। मुझे तो वैसे वो अच्छा नहीं लगा था जब वो आया था। तो बाकी नटकट वाइटी या दूसरे यूट्यूबर, नटकट वाइटी ने इसके ऊपर बोला पेची वो दर्जान, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे जो भी एलुमिनाटी वगैरह वाला सीन। तो यार अगर देखा जाए ना, तो हर चीज़ को दो तरीक़ों से देखना चाहिए। आप हमेशा उसको एक तरीके से जज नहीं कर सकते। आप उसको जी उसके ऊपर अगर आप एक उसके ऊपर आँख बनी देख लिए, तो जी वो वाकई वो दर्जाल से एलुमिनाटी से लिंक कर रहा है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। क्योंकि अगर गन पे देखा जाए तो गन पे 6 आंखें हैं, वैसे बैकपैक पे एक आंख है, बाकी जो बेहतर अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ मैं अपनी गाड़ी उठा के आता हूँ, मुझे यहाँ पे गॉड फायर साउंड आता है, तो मैं उसे डैमेज देता हूँ, वो कवर में चला जाता पत्थर पे, और मुझे पता होता है इसने बाहर आना है, तो मैं एम रख के भाग रहा होता हूँ। जैसे बाहर आता है तो जी नॉक कर रहा। तो अभी देखना इसका एक और टीममेट वो भी नॉक हो जाएगा। अरे जी अभी एक तीसरा बंदा भी इसका आएगा, वो भी भागता हुआ होगा, उसको भी मैं नॉक दे दूंगा मार के। लेकिन यहाँ पे मुझे किल 2 मिलते हैं। बाकी मैं उस सूट के बारे में बात कर रहा था। अब देखो यार, अब सूट पता नहीं क्या उसकी लॉजिक है क्या लॉजिक नहीं है। हो सकता है उसकी लॉजिक वो दर्जाल या इल्यूमिनाटी वाली ही हो, अब हमें तो इसका आइडिया नहीं है ना कि हम उसको उसी बात में लीजिए, क्या पता ना हो। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो बाकी उसके ऊपर एक दफ़ा बैठ के पबजी से इनको चाहिए, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं इनको चाहिए कि पबजी के साथ उनको मेल करें, उन पर बैठ के उस पर बात करें, ना कि उनको सिर्फ ये कह के डायरेक्ट बाइकआउट कर दो, फलाह कर दो, धमका कर दो। क्योंकि यार पता है कि जब फैरो आया था ना, तब कोई नहीं बोला था, और फैरो अभी भी गेम के अंदर है। फैरो आउटफिट जो लोग जानते हैं, फैरो आउटफिट अभी भी गेम के अंदर है, और उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। उसको पहन लोग पहन के खेलते भी हैं, और गेम पे उस पर लॉबी वीडियोज भी बनाते हैं, सब कुछ हो रहा है, उस पर तो कोई नहीं बोल रहा। तो इस आउटफिट में क्यों फिर बोल रहे हो अगर आप उस पर नहीं बोल सकते हो? तो या तो है ना कि उस पर भी बोलो नहीं भैया। और कुछ लोग ये बेसिकली कर क्यों रहे, फेम हासिल करने के लिए कर रहे हैं इस तरह के। चलो बहरहाल हमारा टॉपिक ये नहीं था, वैसे ही टॉपिक अंदर छिड़ गया। तो यार मैं जब मिस्टेन सॉरी मिशन कह रहा हूँ पार्ट पे साइड पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे एक बंदा नजर आता है और मैं उसको नॉक दे देता हूँ। उसके बाद मैं उसमें मोली कर देता हूँ, वो नॉक फिनिश हो जाता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पे फायर आते हैं, और मैं जल्दी से कवर में जाता हूँ और हील लगाता हूँ। मुझे आइडिया नहीं होता कि इधर मेरा टीम मेट वहाँ फायर देता है, तो मुझे पता चलता है कि जी रिच पे कहीं पे ऊपर वाली साइड पे है। तो मैं उसको पिन करके उसको देखता हूँ, टैप टैप देता हूँ, तब तक वो पीछे को भाग जाता है। और हमारे पावर पॉइंट में भी ऊपर वाली साइड पे जो घर वाली साइड पे, वहाँ पे एक बंदा होता है और भी फायर देता है, उसको भी रिफ्लेक्स पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा कवर में हो जाता है, जिसके लिए नॉक नहीं हो वो पता। लेकिन ऐसे कैसे हम इसको छोड़ दें, हमने तो इसको पकड़ना तो है ना, तो हम इसको छोड़ तो सकते नहीं। तो बहरहाल हम इसके अंदर आ जाते हैं पावर प्लांट के, और इसके साथ फाइट लेने के लिए ट्राई करते हैं। हमारा बंदा एक नॉक हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और पता है क्या है, मैं टीममेट जब भी नुकसान चल गया, बंद अच्छी था ये था। चलो बहरहाल यहाँ पे आज का इसको मैं हेल्प, इसको पहले से मेरे नंबर 1 ने डैमेज दिया होता है, मेरी दो तो गोलियाँ लगती है और गेम नॉक कर देता है। इसको फिनिश करते हैं। और अब वहाँ पे मेरा सामने टीममेट नॉक पड़ा हुआ था, मुझे उसका आइडिया नहीं, मैंने उस पर गौर ही नहीं किया, और मैं सिर्फ लूट में लगा रह गया। क्योंकि यार उस तरफ जो बंदे थे, हमारी पीछे वाली साइड पे भी बंदे थे, तो सही से आइडिया नहीं हो पा रहा था। बाकी तुम लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और वो यार आईपैड वाले व्यू सॉरी आईपैड रिव्यू वाली वीडियो पे थैंक यू सो मच, इतने ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइबर्स भी आए, और थैंक यू सो मच फॉर बी सपोर्टर। तो बहरहाल हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पे मुझे एक बंदा ही आता है भागता हुआ, ये आखिरी बचा होता है जिसने हमारे टीममेट को मारा होता है, और उसको भी रिवेंज ले लेते हैं। इसके बाद जी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लूट छूट करता हूँ और अपने टीममेट को रिवाइव यानी कि रिकॉल करने के लिए निकल जाता हूँ। तो बाकी गाइस
अगर तुम लोग को वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में लाजमी फीडबैक दिया करो कि मैं और अपने वॉइस को कैसे इम्प्रूव कर सकूँ और अपनी वीडियोस को गेम प्लेस को कैसे इम्प्रूव करूँ। बहरहाल मैं रिकॉल देने जा रहा हूँ, तो यहाँ पत्थर के पीछे एक बंदा होता है जो इसको भी देखना जी कैसे पत्थर के पीछे है। ओके तो फिनिश कर देता, ये इसी आड़ में बैठा हुआ था कि जैसे मैं इस तरह की सड़क क्रॉस करूँगा ये मुझे यहाँ से मार देगा, लेकिन मुझे साउंड आ जाता है और मुझे पता चल जाता है यहाँ पे कोई। यहाँ पे मैं जा रहा होता हूँ, अब यहाँ पे भी हमारी टीममेट से फाइट होनी है, हमारी होनी है, क्योंकि ऊपर ही साइड पे भी बंदे होते हैं जिसको भी मैंने मारा, इसी के टीममेट होते हैं, हमारे नंबर वन को इग्नोर देते हैं और मुझे हल्का सा नज़र आता है, मैं ऐसे रैंडम ब्लाइंड स्प्रे देता हूँ और ये जी ये भी नॉक हो जाता है। ऐसे कैसे स्प्रे से बच जाओगे, हम किसी को छोड़ते नहीं है। अगर यार सॉरी है, ठंडा ठंडा अंदर वॉइस ओवर हो जाता है क्योंकि अभी मुझे इसकी आदत नहीं है, इंशाल्लाह जैसे आदत हो जाएगी और हम अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर लेंगे। तो मैं इसको रिकॉल देता हूँ, और मैंने जो थंबनेल में सुपरमैन सुपरमैन वाला सीन डाला हुआ था और फ्लाइंग है पर व्हाट डाला था वो कुछ नहीं था, वो जस्ट ये था जो कैनन टाइप आया हुआ था, इससे मैं अपने को शूट करता हूँ क्योंकि जोन से मैं बाहर होता हूँ तो मैंने जल्दी जोन में जाना होता, तो मैं इससे अपने को शूट करता हूँ ताकि जोन में जा सकूँ। बाकी वीडियो को यार लाइक कर दो, इतनी बार कहता हूँ लाइक कर दो। जब मैं जोन में आता हूँ तो यहाँ पे भी बंदे होते हैं, यहाँ पे भी एक स्क्वाड होता है, मैं इसको डैमेज देता हूँ और मेरी टीममेट उसके साथ पुश कर देते हैं। अब पता क्या रैंडम टीममेट्स के साथ क्या होता है, किसी को कोई आइडिया नहीं हो रहा था तो कौन किस पे पुश कर रहा है, कोई कॉल नहीं होती कि इस पे पुश करना है नहीं करना। फिर तो बाकी वो सारा पार्ट मैं स्किप कर देता हूँ, टाइम टेकन था, यहाँ से मैं ऊपर की तरफ आ रहा होता हूँ और मुझे एक बंदा यहाँ पे देखना जी, स्नेक बन के स्मोक की तरफ जा रहा होता है। हाई हाई स्नेक बहुत ज़्यादा यार, लिविक में बहुत ज़्यादा स्नेक है, इतने रैंकल में स्नेक नहीं है जितने लिविक पे। या सबसे ज्यादा स्नेक कहाँ पे होते हैं, वो हमारा एक जो दूसरे मेरा है वो सेन हॉक के अंदर। यहाँ पे मैं फायर देता हूँ उसको, 10 लगता है लेकिन 9 नहीं होता, हमारे टीममेट उसको फिनिश करते हैं। इसी तरह हम चिकन निकाल लेते हैं और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, लाजमी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।